हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है MP पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 14501 कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका मध्य प्रदेश ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर बात की जाए कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हों, इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो कांस्टेबल GD के लिए बम्पर 7,090 वैकेंसी है, कांस्टेबल स्पेशल आर्म फोर्स के लिए 2,646 वैकेंसी है, कांस्टेबल GD एक्सेप्ट स्पेशल आर्म फोर्सेस के लिए 4,444 वैकेंसी है। वहीं कांस्टेबल GD रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल के लिए 321 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 14,501 है। वहीं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कांस्टेबल GD, कांस्टेबल स्पेशल आर्म फोर्स और कांस्टेबल GD एक्सेप्ट स्पेशल आर्म फोर्सेस के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका क्लास 8th यानी कि 8वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कांस्टेबल GD रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12th पास कर रखा है, साथ ही डिप्लोमा या फिर ITI सर्टिफिकेशन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर IT से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पर डिपेंड करेगी। वहीं अगर सैलरी डिटेल्स की बात करें तो ये आपको 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी आयु 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी आयु 18 से लेकर 41 वर्ष के बीच रखा गया है। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट जो मांगी गई है वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं चेस्ट 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच मांगी गई है। जबकि अगर आप ST मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं चेस्ट 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। साथ ही आपको रनिंग करना होगा दोस्तों 800 मीटर 2 मिनट 45 सेकंड में, और गोला फेंक कंपटीशन भी खेलना होगा जिसमें कि जो लेंथ है वो 19 फीट रखी गई है और जो वजन होगा गोला का वो 7.260 kg होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें आपको 13 फीट का जंप लगाना होगा दोस्तों। और वहीं अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं ST फीमेल कैटेगरी के लिए भी हाइट 155 सेंटीमीटर ही रखी गई है। अगर रनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 800 मीटर रन करना होगा 4 मिनट में, 15 फीट तक गोला फेंकना होगा 4 kg का, और लॉन्ग जंप की बात करें तो ये 10 फीट की जंप लगानी होगी आपको। अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट को देने होंगे 560 रुपये, वहीं SC ST OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 310 रुपये। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब लोकेशन की, तो ये मध्य प्रदेश ही रहेगी। वहीं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 26 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 10 जुलाई 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।